मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर, उनकी उम्मत पर। देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर कल जो हुआ है, पाकिस्तान के कल, ज़ाहरी बात है हमारी तो यहाँ सुबह थी, उसका आप में से बहुत सारे लोग उसको एंटिसिपेट भी कर रहे थे और पता भी था कि ये फस्ताइयत इसी से मत जा रही है। उस मुल्क के अंदर जहाँ पर लोगों ने पूरा मुल्क लूट खाया, उसी तोशाखाना की बात करें तो जहाँ पर गाड़ियाँ तक और पता नहीं क्या कुछ ले गए, और एक शख्स जिसने एक घड़ी ली और वो भी डिक्लेयर की, उस पर टैक्स दिया, अपनी रिटर्न्स में डाला, उस केस में कुछ नहीं था, उसके बावजूद जज हुमायूं दिलावर ने वकला से बदतमीज़ी शुरू करके उसकी फेसबुक के सारे मामलात सब कुछ आपके सामने हैं। उनसे गवाहों के हक छीन लिए गए, सफाई का हक छीन लिया गया। ऐसा तो करबला में भी शायद हमने ना होते देखा जो इन्होंने किया, कि किसी किस्म की सफाई का हक मौजूद नहीं था और सज़ा दी गई। मैंने आपको चार दिन पहले इस सज़ा का बता दिया था एग्जैक्टली कि क्या सज़ा दी जानी है, क्योंकि ये चार दिन पहले फ़ैसला लिख के रख लिया गया था। एक मेरे जानने वाले वकील ने वो फ़ैसला पढ़ लिया था जिसने मेरे तक बात पहुंचाई थी। ये 3 साल कैद और 5 साल के लिए, मैंने 1 अगस्त को आपको बताया था। अभी जो आपकी ये हकीकी आज़ादी की लड़ाई है, ये दूसरे मरहले में चली गई है। पहले मरहले में खान साहब बाहर थे, कुर्बानियाँ दी जा रही थी। हम अपनी स्पेस के लिए, स्पेस का मतलब डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, हमारे वोट का हक, हमारी आज़ादी का हक, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब ये दूसरा फेज़ शुरू हो गया है जिसके अंदर खान साहब जेल के अंदर चले गए। अब मैं ये कहूँगा ज़्यादा टेस्टिंग टाइम है। अब जो वाकई नज़रियाती होंगे वो साथ खड़े होंगे, और जो नज़रियाती नहीं होंगे वो कोई ना कोई बहाना लगा कर निकलेंगे। मुश्किल वक्त है, हो सकता है ये थोड़ा लंबा भी हो, कोई पता नहीं, ये 2 महीने हो, महीना हो, 15 दिन हो, साल हो, 2 साल हो, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि जितना भी मुश्किल है इसने कट जाना है, इंशाल्लाह इसने ख़त्म हो जाना है, इंशाल्लाह। और वक्त दोबारा वही आना है जिसमें कानून की जीत होगी, इंसानियत की जीत होगी, इंसाफ की जीत होगी। इमरान खान ने ना लूटमार करके अपने बच्चों के लिए मिलें बनाई हैं, ना उसने अपने लिए बैंक बैलेंस बनाए हैं, ना उसने अपने मुल्क को बेचा है, ना अपनी फ़ौज के खिलाफ काम किया है, ना अपने मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ काम किया है दूसरे हुक्मरानों की तरह। तो इमरान खान के खिलाफ जो कुछ भी किया गया है वो एक सवाए सियासी एजेंडे के और कुछ नहीं है। लंदन प्लान जो है, लंदन के अंदर जो वादे हुए हैं उनको पूरे करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द इमरान खान और उनके साथी सुर्खरू होंगे। आपसे अब तवक्को ये है कि अपनी आवाज़ बुलंद रखिए, अपना जज्बा बुलंद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो जुल्म का एक तूफान चढ़ रहा है ये उतरेगा। बहुत जल्द चीज़ें बेहतर सिमत में जाना शुरू होंगी, और आप देखेंगे कि ये जिन लोगों को लग रहा है कि सदा बादशाही उनकी है, तो ऐसा नहीं है। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की ज़ात की है, और बड़ी जल्दी ये सारा मामला जो है ये उतर जाएगा सारा गुबार। हाँ, ये कि अब हमारा दूसरा मरहला शुरू हुआ जिसमें सब्र की ज़रूरत है, इस्तकामत की ज़रूरत है, जिसमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हम सब ने अपने काज के साथ जुड़े रहना है। खान साहब ने तो तगड़े लीडर होने का सबूत दिया है, खान साहब ने तो बड़े लीडर होने का सबूत दिया है। खान साहब जैसे लीडर ना रोज़ पैदा होते हैं ना होंगे। खान साहब ने तो एक ऐसे कौम में से एक ऐसा लीडर होने का सबूत दिया है जिस कौम में शायद ऐसा लीडर पहले नहीं देखा। उन्होंने अपनी जान दाव पे लगा दी, अपना माल दाव पे लगा दिया, अपनी ज़िंदगी, अपनी पूरी पॉलिटिकल जो उनकी एक लेगेसी थी वो उन्होंने दाव पे लगा दी। उनको बार बार ऑफ़र की गई कि वो नवाज शरीफ की तरह माफ़ी मांगें, NRO लें और उन्हें बाइज़्ज़त तौर पर मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। उन्हें ये 1 से ज़्यादा बार ऑफ़र हुई, 1 से ज़्यादा बाहर के मुल्कों ने भी ऐसी ऑफ़र्स की, लेकिन इमरान खान ने वो ऑफ़र्स ठुकरा दी और उन्होंने कहा जीना है या मरना है, मैंने पाकिस्तान के अंदर ही रहना है। तो ऐसे लीडर रोज़ पैदा नहीं होते। पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिला है और ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान को ऐसा लीडर मुयस्सर आया है। अब उसने अपना काम कर दिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा सकता था, अपने घर को दाव पे लगा सकता था, अपनी पूरी सियासत को दाव पे लगा सकता था,
अपने सियासी करियर को दांव पे लगा सकता था, अपनी आजादी को दांव पे लगा सकता था, जेल जाके बैठ सकता था, जहां ना उसकी जिंदगी उसके कंट्रोल में रह गई। अब मीन कंट्रोल में तो रब की ही होती है, लेकिन अब उसकी हिफाजत भी उसके कंट्रोल में नहीं है। उनको जान से भी वहां मारा जा सकता है, तशद्दुद भी किया जा सकता है, सब कुछ छोड़ के उन्होंने दांव पे लगा दिया। लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी उस गुनाह की जो उन्होंने नहीं किया था। वो आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए डट के खड़े हुए हैं। अब काम आपका है कि आप कितना साथ देते हैं, आप कितना डट के खड़े होते हैं। अगर तो आप भी डट के खड़े रहे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। लेकिन अगर आप घबरा गए, आपने मुस्तकिल मजाजी ना रखी, आपने सबर का दामन जो है वो ना थामे रखा, तो फिर सारी बात है जालिम जो है वो जीत जाएगा। ये लड़ाई अब नेल्सन मंडेला वाली लड़ाई है, ये साल में भी खत्म हो सकती है और 20 साल भी लग सकते हैं। ये जितना भी टाइम लगे, अब हमने इस लड़ाई को लड़ना है। हम आज यहाँ वाशिंगटन DC से इसका अहद करते हैं कि ये लड़ाई जितनी भी लंबी हो, हमें इमरान खान के साथ खड़े होकर ये लड़ाई लड़नी है इंशाल्लाह। ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये हमारी कौम की लड़ाई है और हमारे आने वाले दिनों, हमारे आने वाले बच्चों की लड़ाई, असूल की लड़ाई है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो अवाम के वोट पर चलना चाहिए, अवाम की विल से चलना चाहिए। अवाम किसी और तरफ खड़ी है, ताकतवर लोग किसी और तरफ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा उनके कहे के ऊपर चले। तो इसलिए मैं एक दफ़ा फिर बड़ा वाजे कर दूँ कि इमरान खान ने अपनी अवाम के हकूक पर सौदा नहीं किया, बल्कि उनके साथ खड़ा होना पसंद किया है। अब वक्त है कि अवाम रिस्पॉन्ड करे। इमरान खान अपने हिस्से का काम कर गए और वो झूल गए बड़ी खुशी के साथ। ये जो हालात की सितम ज़रीफ़ी थी उसके ऊपर आज जेल जाके बैठे हैं। उस तरह के आदमी को जिसने 2 घंटे वर्जिश करनी हो, जेल कितनी मुश्किल होगी, ये आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। वो एक आज़ाद मंश आदमी है, इंडिपेंडेंट आदमी है। उनको एक 6x8 के एक छोटे से सेल के अंदर वहाँ पर जाके कैद रखना, ये उनके लिए कितना मुश्किल काम होगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये बातें कहने को आसान है, लेकिन वो किसके लिए, किस लिए वहाँ पर जाके बैठा है आज? आपके लिए, वरना क्या डील नहीं की जा सकती थी? बड़े आराम से की जा सकती थी। अगर नवाज शरीफ जैसे लोग डील कर सकते हैं जिन्होंने पूरा मुल्क खाया हुआ था, तो इमरान खान को क्या मसला था? लेकिन इमरान खान डील करने पे ना यकीन रखता है, ना कभी डील करेगा। आपने खड़े रहना है, इमरान खान मुतज़लज़ल नहीं होगा। और इंशाल्लाह हम सब मिलके इस तमाम जुल्म के निज़ाम को, इस तमाम जबर के निज़ाम को, हम इस पूरे निज़ाम को जो है वो शिकस्त भी देंगे। और आप देखेंगे वक्त बड़े मुश्किल है, लेकिन इमरान खान के नज़रियाती लोग उसके साथ खड़े होंगे, हर सूरत उसके साथ खड़े होंगे। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान।